తెలంగాణ టైమ్స్ న్యూస్కి స్వాగతం అట్టడుగు వర్గాల అభ్యున్నతికి కేసీఆర్ కృషి ప్రశంసనీయమన్నారు భీమ్ ఆర్మీ చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ నూతన సచివాలయాన్ని కూడా అంబేద్కర్ పేరు పెట్టడం చాలా సంతోషకరమని ఆయన సంతోషాన్ని వెలిబుచ్చారు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ పోరాటానికి తెలంగాణ ప్రజల అండ ఉంటుందన్నారు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత ఎమ్మెల్సీ కవితతో కలిసి నూట ఇరవై ఐదు అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని దర్శించారు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ అమరజ్యోతి వద్ద తెలంగాణ అమరులకు నివాళులర్పించారు కవిత ఆజాద్ నూతన పార్లమెంటు భవనానికి రాజ్యాంగ నిర్మాత బీఆర్ అంబేద్కర్ గారి పేరు పెట్టాలని ఆ భవనంలో అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించాలని భీమ్ ఆర్మీ చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ చేస్తున్న డిమాండ్కి తెలంగాణ ప్రజల మద్దతు ఉంటుందని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత స్పష్టం చేశారు రెండు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం హైదరాబాద్ విచ్చేసిన భీమ్ ఆర్మీ చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ కల్వకుంట్ల కవితను మర్యాదపూర్వకంగా కలుసుకున్నారు దాదాపు గంటపాటు భేటీ అయ్యారు ఈ సందర్భంగా వారు చర్చిస్తూ తమ తమ రాజకీయ విధానాలు తెలంగాణలో బహుజనులకు దళితులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న కార్యక్రమాల గురించి చర్చించారు దళిత బంధు పథకాన్ని ఈ సందర్భంగా ఆజాద్ ప్రశంసించారు పార్టీకి సభిలో ధన్యవాద ధన్యవాద్ తో ఆజ్ ఆర్ ఏక్ ధన్యవాద్ పేళ कि जब इस देश की सरकारें किसी के विरोध को बर्दाश्त ना करें और उसकी हत्या पर आए और आपके उस बुरे समय में कोई आपके साथ खड़ा हो मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि जब 21 तारीख का हम लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे मेरी एक बार की बात पे दीदी ने अपनी पार्टी के चार चार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वहां भेजा और अन्याय के खिलाफ उस आवाज को बुलंद किया जिसको आज हम देख रहे हैं कि देश भर में किस तरह से लड़ने वालों के साथ अन्याय किया जा रहा है किस तरह से सीबीआई ईडी इनकम टैक्स एन आई ए झूठे मुकदमे जेल जो लोग देश के लिए लंदन को डराया जा रहा है फिर उन्होंने मुझसे मुझे, मुझे इनवाइट किया था कि एक दिन घर आना पड़ेगा खाना खाने के लिए तो हैदराबाद का खाना भी बड़ा मशहूर है लेकिन उससे अच्छा ये है जो हमारे पीछे हम लोग देख रहे हैं इसकी टोटल ऊंचाई है 175 फीट टोटल नीचे से लेके ऊपर तक अच्छी बात यह है तेलंगाना में कि सिर्फ यहां बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू नहीं लगाई गई उनके विचारों पे भी कि ये वंचित वर्गों को अपलिफ्ट करने के लिए भी बहुत बड़ा काम हो रहा है पिछले दो तीन घंटे मैंने जाना किस तरह से यहां की सरकार इस प्रदेश में हाशिए पे जो समाज था दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी शेड्यूल ट्राइब उनको ऊपर खड़ा करने के लिए उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए किस तरह का प्रयास कर रहे है? मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इनकी करनी कथनी और करनी में ज्यादा फर्क नहीं इनकी कथनी जो है उसी तरह से ये लोग काम भी कर रहे हैं और मैं धन्यवाद देता हूं पुनः इस बात के लिए एक इस निर्माण के लिए कि जहां लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को इतिहास को इति देश से भुलाने का काम किया इतिहास में जहां पढ़ा जा रहा था वहां से हटाने का काम किया वहां आप लोगों ने इतना बड़ा जो है बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू लगा के ये साबित किया और फिर इसके बाद बराबर में ही हमारी जो सेक्रेटरीट है उसका नाम भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे रखा ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि बहुत सारी योजनाएं सरकार की बहुत अच्छी हैं जिनको जान के बड़ी खुशी हुई और ये भी कहने में कोई परहेज नहीं है कि पूरे देश में ऐसी योजनाएं शायद अभी की सरकारें सोच भी नहीं पाई अच्छी बात यह है कि ये काम और आगे बढ़े और इसका लाभ बहुत दूर तक जाके लोगों को मिले ऐसी जो है मेरी मंगल कामनाएं हैं दीदी के लिए भी और उनकी पार्टी के लिए उनके सभी साथियों को जो यहां काम कर रहे हैं वो तेजी से आगे बढ़े और इस तरह से आगे काम करते रहे और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू यहां लगी वो ऐसी स्टैचू जो नई पार्लियामेंट हमारी बनी उसमें भी लगनी चाहिए क्योंकि पिछली पार्लियामेंट में तो थी आज जो सेंटर बैठे हैं उनको बाबा साहब से बड़ा परहेज है बाबा साहब से बड़ी तकलीफ लेकिन जब उनको बाबा साहब तकलीफ है तो कुछ ऐसे भी साथी हैं जो बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे मुझे खुशी हुई तेलंगाना आके और मुझे खुशी हुई उनके सहयोग के लिए उनके सहयोग से और मेरा आगे भी ऐसा विश्वास है एक समस्या छोटी सी है वो उनके सामने रखो मुझे उम्मीद है कि दीदी उसको भी जो है जल्द ही जो है उसमें भी हमें सफलता हासिल होगी और बाकी उनके लिए मंगल कामना है कि ऐसे ही जो है कुदरत उनको आगे बढ़ाती रहे वो आगे बढ़ें और समय समय पे प्रदेश और देश में अपनी लड़ाई को मजबूत करके देश का नेतृत्व करें धन्यवाद